राजधानी दिल्ली में एक हाईटेक कार चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस ने हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस से प्रेरित होकर 40 आलीशान कारें चुराने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये तीनों शातिर चोर लग्जरी कारों को चुराने के लिए स्कैनर, जीपीएस, मैग्नेट, चाबियों और जैमर समेत कई हाईटेक टूल्स का यूज करते थे। हमारे मध्य जिला की AATS टीम ने कुछ समय पहले एक मुठभेड़ के बाद मेरठ इलाके के 2 नामी ऑटो लिफ्टर्स को अरेस्ट किया था। उसी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमें उनके रिसीवर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और अभी हमने वहाँ से एक रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी कि जो चोरी की गाड़ियों को खरीद के उसको आगे सप्लाई करते थे मार्केट में, उस तरह के एक व्यक्ति अजरुद्दीन अलियास अज्जू को हमने गिरफ्तार किया है। ये मेरठ UP का ही रहने वाला है। इसको हमने दिल्ली में, जब ये एयरपोर्ट से कहीं ट्रैवल करके वापस लौट रहा था, तो हमने ट्रैप लगा के हमारी AATS टीम ने इसको अरेस्ट किया है। उसके आगे उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए उसके डिस्क्लोजर पे हमने कई जगह भारत के अन्य शहरों में रेड की और लास्ट में हमने महाराष्ट्र पहुंचकर पुणे से एक अन्य बदमाश अल्ताफ कसम अतर को अरेस्ट किया है, जो कि चोरी की गाड़ियों को आगे डिसमेंटल करके सप्लाई करके बेचने का काम करता था। पुलिस ने शुक्रवार को इन तीनों हाईटेक चोरों की गिरफ्तारी के बाद कहा कि आरोपी की पहचान दिल्ली के उत्तम नगर के निवासियों जगदीप शर्मा और उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आस मोहम्मद के तौर पर हुई है। मनीष राव और जगदीप शर्मा को चोरी की कार का सौदा करते वक्त गिरफ्तार किया गया। कार को दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके से चुराया गया था। राजस्थान में इन कारों को बेचा जाता था। तो हमने जब इस अल्ताफ अतर को गिरफ्तार किया तब वो उस समय खुद एक इनोवा गाड़ी की कटिंग का काम कर रहा था अपने वर्कशॉप में, वहाँ से हम उसको अरेस्ट करके लाए हैं। और इन दोनों की इन्फॉर्मेशन पे हमारे AATS टीम ने 15 गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियों को बरामद किया है, जिसमें कुछ गाड़ियाँ कनेक्ट हो गई हैं, जो इसमें से एक गाड़ी हमारे पुलिस स्टेशन पटेल नगर की भी है और अन्य गाड़ियाँ दिल्ली से ही चोरी हैं, लेकिन उनको अभी कनेक्ट करने का FIRs के साथ काम चल रहा है। पुलिस ने बताया कि चोरी के वाहन की तलाश के दौरान सेंसर किट, मैग्नेट, LNT चाबियां और रिमोट से चलने वाली 8 चाबियां बरामद हुई। पुलिस ने कहा कि चोरी की कारों के मुख्य आपूर्तिकर्ता मोहम्मद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वो राजस्थान में इन कारों को बेचा करता था। पलक झपकते ही कार का दरवाजा खोलने में माहिर थे आरोपी। पुलिस ने बताया कि ये मिनटों में सॉफ्टवेयर की मदद से कार में लगे GPS को निष्क्रिय कर देते थे। इसके लिए वो स्कैनर और जैमर का इस्तेमाल भी करते। इसके साथ ही कार में लगे GPS को निष्क्रिय कर चंद मिनटों में कार के दरवाजे को खोल देते थे। उनके पास कई हाईटेक किस्म की चाबियां भी थीं, जो पलक झपकते ही कारों को खोल देती थी। 2 महीने में चुराई 40 कारें। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पकड़े गए तीनों हाईटेक चोर कुख्यात रवि गैंग के सदस्य हैं। इन्होंने अपने लीडर रवि के साथ मिलकर बीते अप्रैल से अब तक दिल्ली की अलग अलग जगहों से 40 लग्जरी कारें चुराई हैं। इन चोरों ने दिल्ली के उत्तम नगर, तिलक नगर, सुभाष नगर, पश्चिम विहार, मुनिरका, द्वारका समेत कई इलाकों में दर्जनों कारों की चोरी को अंजाम दिया था। इन कारों को चोरी करने के बाद ये आरोपी अलग अलग शहरों में इन्हें बेच दिया करते थे। फिलहाल आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं और पुलिस उनसे पूछताछ के आधार पर गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है।